हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जहां बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तो हमने ट्रांजिस्टर्स देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में और उसमें काफी कुछ इवोल्यूशन इसका कैसे हुआ कहां से आया कैसे कैसे उसमें चेंजेस आई ये सब चीजें देख ली थी और कितने टाइप डिफरेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे पास जो मेन डिफरेंट है एक्चुअली तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं बट जो मेन क्या क्या ट्रांजिस्टर्स हुए वो सब हमने देखा था बट इस वीडियो से मैं बेसिकली मॉसफेट्स के बारे में ज्यादा फोकस करने वाला हूँ हम जानेंगे डीप में मॉसफेट्स अः में क्या क्या चीजें होती हैं उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है उसमें बैंड डायग्राम की चीजें क्या क्या है और फर्दर लेक्स में हम देखेंगे कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं बट इस लेक्चर में बेसिकली उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन और बैंड डायग्राम उसका कैसा होता है इस इसपे मैं फोकस करने वाला हूँ ठीक तो है तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मॉस्फेट का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तो बेक एक का मतलब समझेंगे कि ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मतलब ये कुछ ऐसा ट्रांजिस्टर है अब ट्रांजिस्टर में पता है ये क्या है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस करके कुछ है ये चेंज इन रेजिस्टेंस लाता है ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट मतलब कि यहां पे यहाँ पे हम कंट्रोल में कुछ तो फील्ड देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे जिसके कारण से ये यह यहाँ पे चेंज होगा इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज होगा ठीक है तो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से अब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्यों है क्योंकि यहाँ पे एक मेटल है और एक ऑक्साइड है बीच में ठीक है तो हम इसका अच्छे से कंस्ट्रक्शन देखेंगे क्या होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें ये मैं मिटा देता हूं तो सबसे पहले इसको बनाते कैसे ये देख लेते हैं तो हाँ इसका जो बनाया था ये मोहम्मद अटाला एंड डावोन दावोन कैंग ये बिल लैब्स के हैं एक्चुअली ये बिल लैब्स के हैं आ, ये बेल लैब्स में कहा बेल लैब्स ने बहुत काम किया यार इनिशियल सेमी कनेक्टर इसमें बाद में ये धीरे धीरे इसका डाउनफॉल हो गया बाद में शायद नोकिया वो वोकिया ने इसको ओवरटेक कर लिया और लास्ट टाइम तक मुझे पता था नोकिया वगैरह ने ओवरटेक किया था बट अभी इसका कुछ खास वैल्यू है नहीं ठीक है तो नाइनटीन में इन्होंने बनाया था तब से तो काफी चेंजेस आ गए हैं तो अभी मॉडर्न डे मॉस्फेट कैसा है मैं डायरेक्टली उसकी बात करूंगा मोर और लेस सेम ही है जो तब था वही अभी है तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें एक substrate लेते हैं ठीक है तो यहां पे एक सबस्ट्रेट लेते हैं ये ये मैं टू डी बना रहा हूं क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूं थ्री डी व्यू भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा तो ये एक सबस्ट्रेट लेते हैं सपोज जो मॉस्फेट मौ, है ये दो टाइप के होंगे ठीक है ये एन टाइप एन टाइप मॉस्फेट एंड पी टाइप मॉस्फेट ठीक है तो एन टाइप मॉस्फेट क्या होता है इसको हम एनफेट भी बोलते हैं या इसको हम मॉस भी बोलते हैं ठीक है थीके? इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। पी टाइप में हम इसको फेट भी बोलते हैं और इसको पी मॉस भी बोलते हैं ठीक है थीके? तो यहां पे मैं एक एन टाइप मॉस्फेट, यानी कि एनफेट या एन मॉस बना रहा हूं तो उसके लिए क्या करते हैं सबसे पहले पी सबस्ट्रेट लेते हैं ठीक है थीके? इसको पी सबस्ट्रेट बोलते हैं या बॉडी भी बोलते हैं इसको दिस इज पी बॉडी तो अब ये पी ले लिया उसके ऊपर क्या करते हैं हम एक ऑक्साइड लेयर ग्रो करते हैं ठीक है ये है सब ठीक है तो ये एस आई ओ टू ग्रो करते हैं ठीक है अब क्या करते हैं यहाँ पे एक हम मास्क लगाते हैं ठीक है तो मास्क कुछ इस तरह लगाते हैं कि यहां पे कुछ ओपेक रहेगा और यहां पे भी कुछ ओपेक रहेगा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया यहाँ पे, ओपे, पे भी कुछ ओपेक रहेगा और यहाँ पे भी कुछ ओपेक रहेगा और ये जो बीच के गैप से ये ट्रांसपेरेंट है तो ये आपने मास्किंग कर दी इसकी अब क्या करेंगे उसके ऊपर से लाइट बम्बार्ट करेंगे सम काइंड ऑफ लाइट तो क्या होगा ये ऑक्साइड लेयर क्या होगा इसके ऊपर एक केमिकल लगाते हैं ठीक है थीके? ये हम अच्छे से देखेंगे आ, इसका प्रोसीजर क्या है तो यहाँ पे क्या करते हैं इसको एच कर देते हैं ये यह यहाँ पे यहाँ से ऑक्साइड रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा इतने दूर से ऑक्साइड आपका रिमूव हो जाएगा तो देखते मैं रिमूव कर पाता हूँ यस yes. तो इतने देर से इतने दूर से ऑक्साइड मेरा रिमूव हो गया ठीक है तो चलो ऑक्साइड रिमूव हो गया अब अब ये जो मास्किंग वास्किंग है ये सब हटा देते हैं ठीक है थीके? क्योंकि अब हमारा ऑक्साइड इतना दूर रिमूव हो गया ओके okay. अब क्या करते हैं यहां पे, यहां पे हम करते हैं आयन इम्प्लांटेशन क्योंकि अब हम इसको अब हमको क्या करना है इसको डोप करना है आयन इम्प्लांटेशन तो इसको एन टाइप से हम डोप करते हैं तो एन टाइप मटेरियल को बम्बार्ड करते हैं बहुत फास्टली तो ये क्या होता है यहां पे एन टाइप मटेरियल आ जाता है यहाँ पे ठीक है, है, है और ये हाईली डोप रहता है ठीक है ये मॉडरेटली डोप रहता है जो बॉडी है और ये हाईली डोप यानी और रहेगा अब उसके प्रोसीजर्स है जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी बट यहाँ पे एक एन एन टाइप मटेरियल ग्रो हो जाता है ओके तो ये हो गया आपका एन टाइप मटेरियल और उसके बाद ये हो गया आपका ऑक्साइड और ये भी आग, आपका ऑक्साइड ऑक्साइड है यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे हम मेटलाइजेशन करेंगे ठीक है तो यहाँ पे एक मेटल का लेयर डालते हैं जो कि हो जाता है हमारे पास गेट टर्मिनल ठीक है तो अब यहाँ पे हो गया हमारे पास एक गेट टर्मिनल ठीक है उसके बाद टर्मिनल्स बनाते हैं इस तरह से तो ये हो गया हमारे पास गेट ये हो गया ड्रेन और ये हो गया सोर्स और एक चौथा टर्मिनल यहाँ पे होता है बॉडी ठीक है जिसको बी से करते हैं या सबस्ट्रेट टर्मिनल तो ये इस तरह से एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है हमारे पास एन मॉस का ठीक है सिमिलरली पी मॉस का क्या कंस्ट्रक्शन होगा पी मॉस में हम क्या कर लेंगे एन टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे ये इसका बॉडी टर्मिनल और ये इस तरह से ड्रा करते हैं ठीक है ये ऐसे ये ऐसे ये थोड़ा और पकड़ लो ये ज्यादा हो गया रुको इसको मिटा देता हूं ये थोड़ा सा और मुझे चौड़ा चाहिए और ये इस तरह से तो ये मेरे पास ऑक्साइड हो गया ये भी ऑक्साइड हो गया ये यहाँ पे ये भी ऑक्साइड हो गया ये मेटल हो गया ठीक है तो यहाँ पे गेट बना दिया यहाँ पे सोर्स बना दिया और यहाँ पे ड्रेन बना दिया और ये क्या हो जाएगा P प्लस P हो जाएगा ठीक है अब क्या करते हैं जो सबस्ट्रेट को हम अलग से एक बना लेते हैं एक, एक इसका अलग से टर्मिनल बनाया तो मॉडर्न तो डे में कैसा होता है कि ये जो है जो चौथा टर्मिनल है एक्चुअली तो ये एन ये एन ये थोड़ा सा और चौड़ा बना देता हूं मैं और ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में बना रहा हूं आप राइट साइड में भी बना सकते हैं यहाँ पे एक पी प्लस लेके यहां पे एन प्लस एन प्लस और यहां पे ये ऑक्साइड तो रहेगा ही और ये भी ऑक्साइड रहेगा ही और ये मेटल रहेगा ठीक है और ये चौथा टर्मिनल नीचे से नहीं फिर यहां से ले लेते हैं बॉडी सोर्स गेट और ये ड्रेन तो इस तरह से ये मॉडर्न डे में इस तरह से हमारे पास एक मॉस्फेट बनता है ओके तो ये हमारे पास मॉडर्न डे मॉस्फेट मैं इस तरह से फोर्थ टर्मिनल यहाँ से एक P प्लस अगेन हम आयन इम्प्लांट करके इसको P प्लस बनाते हैं एंड देन यहाँ पे हमारे पास बॉडी टर्मिनल यहाँ से निकल के आता है ठीक है तो बेसिकली ये है अब अब देखते हैं कि इसमें 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है ठीक है तो होप सो so, मैंने बना के रखा है लेट्स सी तो ये हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर आया आ, इस तरह से या वही मैं कहूँ कलर कैसे चेंज हो गया तो ये मैंने एक सी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की अब मैं इसको नेम करता हूं तो ये हमारे पास हमको पता है ये क्या है हमारे पास एक पी सबस्ट्रेट है फॉर अभी बॉडी टर्मिनल पे बना रहा हूं। और ये यहाँ पे हमारे पास हमको पता है क्या एन प्लस एन प्लस ये एन मो से पकड़ लो ठीक है ये क्या हमारे पास गेट है ये ड्रेन है और ये सोर्स है और ये जो पिंक वाले दिख रहे हैं ये ये क्या है एसआईओ टू लेर है ठीक है सिलीकन डाइऑक्साइड और ये ऊपर वाला मेटल है मेटल या फिर पॉलीसिलिकन रहता है एक्चुअली में ठीक है तो पहले ये मेटल रहता था बट मेटल हाई टेम्परेचर पे दिक्कत देता है पिघल जाता है बहुत बार, तो, काफी तो ये सब अलग अलग चीजें हैं तो ये थ्री डी व्यू है इसका यहाँ पे सोर्स टर्मिनल है ये ड्रेन टर्मिनल है और ये गेट ये टर्मिनल है ठीक है अब ये जो मॉस्फेट है ये ऑन ऑफ रहता है इन जनरल ठीक है अब इसका वर्किंग वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बट अभी मैं अभी के लिए क्या बताऊं इसका बैंड डायग्राम कैसा होता है ठीक है तो इसका बैंड डायग्राम बनाते हैं कैसा होता है तो सबसे पहले इसका जो एक स्मॉल ये मैं ले लेता हूं ठीक है जो इतना एरिया है सिर्फ इतना ठीक है जिसको हम बोलते हैं मॉस कैप ठीक है इसको हम बोलते हैं मॉस कैप तो मॉस कैप में क्या सिर्फ इतना ही एरिया ले रहा हूं मैं ठीक है ये पी सबस्ट्रेट और ये ऑक्साइड और ये मेटल और ये ऑक्साइड ठीक है फिलहाल के लिए मेटल या पॉलीसिलिकॉन कुछ भी ले लो और ये यहां पे एक आपका गेट टर्मिनल और ये यहां पे

थोड़ा इमेजिन कर लो इसको लेफ्ट साइड इस तरह से रोटेट कर दिया है फ्लैट तो अब देखो कैसे बन के आता है तो सबसे पहले क्या लेफ्ट साइड में क्या आएगा मेटल आएगा ठीक है तो थोड़ा नीचे बनाते हैं ठीक है यहाँ पे बनाते हैं फ्रेश से तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा इसको इसको रोटेट कर रहा हूं बेसिकली तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा मेटल आएगा तो मेटल के लिए बैंड कैसा रहता है तो मेटल के लिए हमको पता है ओवरलैप रहता है ठीक है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या होते हैं ओवरलैप रहते हैं और यहाँ पे क्या आता है फर्मी फर्मी लेवल रहता है इसका मेटल का और ये क्या बोलता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इसके नीचे रहेंगे ठीक है ये हमारे पास ये सिंपल सा एक बैंड डायग्राम रहता है मेटल का उसमें ऊपर में क्या रहता है ऊपर में हमको पता है ऊपर में हमारे पास वैलेंस बैंड रहेगा नीचे में कंडक्शन बैंड रहेगा क्योंकि ये दोनों ओवरलैप रहते हैं ना तो और बीच में फर्मी लेवल रहेगा तो हम क्या बोलते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है इसके नीचे ही रहेंगे और यहां पे क्या रहता है एक वैक्यूम लेवल रहता है ठीक है ई वैक्यूम तो यहां से यहां अगर मुझे वैक्यूम लेवल पे कुछ इलेक्ट्रॉन वैक्यूम लेवल का मतलब क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे फ्री है बट वैक्यूम लेवल मतलब वो मेटल को छोड़ के चला गया है ठीक है वैक्यूम का मतलब वो मेटल के बाहर चला गया है अभी ये फ्री है फर्मी लेवल पे मतलब इधर-उधर घूम सकता है बट मेटल की स्टील अंदर ही है मूव कर रहा है वैक्यूम का मतलब वो मेटल के बाहर चला गया ये जीरो लेवल बोलते हैं इसको ये जीरो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो लेवल है वो वैक्यूम लेवल है तो अब इसको यहां से यहां जाने के लिए हमको कितना वो एनर्जी लगेगा तो इसको हम बोलते हैं फाई एम ठीक है वोल्टेज होता है फाई और इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में आ गया ठीक है तो ये हो गया मेटल का अब आते हैं इंसुलेटर के बारे में तो इंसुलेटर के लिए अब भी कुछ बैंड डायग्राम रहेगा तो उसके लिए क्या रहता है वैलेंस बैंड बहुत नीचे रहेगा कंडक्शन बैंड बहुत ऊपर रहेगा दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा बट रेफरेंस पॉइंट में क्या लू रेफरेंस पॉइंट कोई तो एक चाहिए ना तो रेफरेंस पॉइंट में लूंगा वैक्यूम लेवल क्योंकि वैक्यूम लेवल ही ऐसा चीज है जो सबके लिए कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है क्योंकि वैक्यूम लेवल तो जीरो लेवल है वो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब उसके रिस्पेक्ट में एक ऐसा रहेगा तो नाउ यहां पे क्या है कि गैप बहुत ज्यादा है तो गैप बहुत ज्यादा है तो मैं इसको इसके पास बना सकता हूं ठीक है तो ये हमारे पास ये ईसी सॉरी ईवी एंड ईसी ठीक है ये इंसुलेटर का बहुत लंबा गैप दिया है मैंने ठीक है ये इस तरह से एक बना रहा हूं मैं ठीक है अब देखो ये अब इसका क्या हो जाएगा यहां पे इलेक्ट्रॉन इफिनिटी एक डेफिनेशन बताई होगी आपको ठीक है तो ये है ई काई

ये P type material में क्या होगा ये यहां पे एक कंडक्शन बैंड होगा ठीक है और ये इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉन इफिनिटी होगा इतना ठीक है तो ये ई e, काई और ये एस मान लो ठीक है अब देखो

मेजर करूं e, phi और ये S. तो e, phi, S का कोई मतलब है क्या यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमने बोला है कि वर्क फंक्शन क्या है वर्क फंक्शन होता है कि फर्मी लेवल से वैक्यूम लेवल पे जाने का कितना अब यहाँ वर्क फंक्शन मतलब फर्मी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स है क्या मेटल में यस yes, है तो हम ये मेजर करते हैं अब यहाँ फर्मी लेवल पे कोई कोई इलेक्ट्रॉन्स है क्या फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं ये तो फॉर्मेन स्टेट है ना तो फर्मी लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो वर्क फंक्शन का यहाँ कोई मतलब है क्या नहीं इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी का क्यों मतलब है क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन बैंड से कोई हमको यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वर्क फंक्शन का डिफिनेशन का कोई जरूरत नहीं है हमको इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी का जरूरत है मतलब वर्क फंक्शन फिर डिफाइन क्यों किया गया है फर्मी लेवल का मतलब ही क्या है तो देखो इसको इस तरह से समझो कि ये एवरेजिंग है ये एक एवरेज लेवल है ये एक्चुअली में कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं है सपोज एक एक क्लास समझ लो तो सपोज दो दो स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल एक को दस मार्क्स आए और एक को बीस मार्क आया तो अब क्लास में परफॉर्मेंस देखना है तो टीचर क्या बोलता है एवरेज मार्क्स कितने आए हैं तो बोलोगे एवरेज मार्क पंद्रह है ठीक है दस और बीस का एवरेज पंद्रह बट एक्चुअली में पंद्रह किसी को आया क्या नहीं सपोज सौ स्टूडेंट्स है ऐसा हो सकता है कि सबको दस ग्यारह बारह तेरह सोलह बीस ऐसे आए लेकिन एवरेज पंद्रह निकल के आया लेकिन ऐसा हो सकता है कि पंद्रह किसी को ना आया हो हो सकता है ना एवरेज नंबर ऐसा हो सकता है कि, कि किसी को वो ना आया हो स्टिल वो नंबर है तो फर्मी लेवल वैसा ही एक नंबर है फर्मी लेवल क्या दर्शाता है है ये एवरेज एक इलेक्ट्रॉन्स uh, के मिलने का क्योंकि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में भी है कुछ कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी जाते हैं तो ये एवरेज इसका नीचे आता है बट एक्चुअली में ये फॉर्मिनेंट स्टेट में आता है तो इसलिए यहाँ पे वर्क फंक्शन कब कोई बेसिक डेफिनेशन रह नहीं जाता इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही हम समझते हैं तो ये काई मतलब क्या है ये काई मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये फाई मतलब क्या है वर्क फंक्शन ठीक है तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है तो अब देखो अब इतना तो हमें समझ में आ गया है तो अब देखो ये तीनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये किस तरह से करूंगा ये देखो तो ये मैं थोड़ा सा ये इसको मिटा देता हूँ ये हमें पता है ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड है अब तीनों को कंबाइन करने के लिए हम मैंने दो एज्शन किए यहां पर ये यह देखो यहां पर ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ कुछ किए हैं जो कि मैं फिर से लिख देता हूं तो पहला एजम्शन ये किया है कि देर इज नो नेट चार्ज इन ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर ठीक है ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर में कोई नेट चार्ज नहीं है ठीक है चार्जेस आ सकते हैं इधर उधर से बट अभी के लिए माना कि जितने चार्जेस हैं, वो सब आपको या तो गेट से देंगे या बॉडी से देंगे या जनरली गेट से जनरली ये तो ग्राउंड रहेगा तो जनरली गेट से देंगे जितने भी चार्जेस है अब बीच में ऑक्साइड एंड सेमी कंडक्टर में कोई ऐसा चार्जेस अभी नहीं है ठीक है इन स्टेडी स्टेट दूसरा जम्पन क्या माना है दूसरा जम्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, इम्पॉर्टेंट है ये हमने माना है कि यहाँ पे देखो ये जो लेवल है ये हमने क्या माना है जो फर्मी लेवल है मेटल का और जो सेमी का वो सेम लेवल पे है ठीक है मतलब जो फाइव है और जो फाइव एस है वो इक्वल है मतलब दोनों के वर्क फंक्शंस इक्वल है इसका ये इस एजम्पन को क्या हम बोलते हैं फ्लैट बैंड अजम्पन मतलब हमने फ्लैट बैंड माना है तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टेडी स्टेट में यहाँ पे कोई डिफरेंस इन वोल्टेज लेवल्स नहीं है एकदम फ्लैट है मतलब इसका जो फर्मी लेवल है इसका भी ये depend करता है कि आपने डोपिंग कितना किया आप डोपिंग ऊपर नीचे करेंगे तो ये फर्मी लेवल ऊपर नीचे होगा तो ऐसा मान लो अभी के लिए फॉर सिंप्लिसिटी कि ये डोपिंग इस तरह से किया गया है कि एकदम ये फ्लैट बैंड आता है ताकि जब हम इसको कंबाइन करें तो कोई करंट फ्लो ना हो ठीक है कोई चार्जेस का इधर उधर आदान प्रदान ना हो ठीक है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजम्पन तो अब मैं इस तीनों को कंबाइन करूंगा तो कैसा आएगा कि ये ये देखो ये यहां पे इस तरह से ये हमारे पास ऑक्साइड हो गया ठीक है इतनी दूर पकड़ लो यहां से इस तरह से सेमीकंडक्टर हो गया और ये मेटल हो गया ठीक है तो इस तरह से ये बैंड हो गया अब इसको मैं एक नीचे और ये हमारे पास क्या है ये इतना बड़ा एक जस्ट स्ट्रेच व्यू बना रहा हूं स्ट्रेच व्यू तो ये हो गया हमारे पास मेटल और ये ऑक्साइड और ये सेमीकंडक्टर और इस केस में क्या है पी टाइप है ठीक है तो ये इस तरह से इसका बैंड डायग्राम है अभी के लिए और ये बीच में से हटा देता हूं ठीक है यहां पे नहीं है और हाँ यहाँ पे एक और लेवल है ये है ई एफ आई लेवल है ना इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ठीक है वैसे इसका यहां पे उतना कोई रूल नहीं है बट स्टिल तो ये एक इसका बेसिक बैंड uh, डायग्राम है यहाँ पे आपको पता चल गया वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन इफिनिटी कैसे तो ये बैंड डायग्राम को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जब बताऊंगा uh, कि जब इसमें वोल्टेज देते हैं और एक्चुअली ये मॉस्फेट कैसे काम करता है तो ये सब बैंड डायग्राम आपको काम में आएगा तो ये ध्यान में रखो नेक्स्ट वीडियो से हम uh, इसके जो मेन थ्री मोड्स हैं डिप्लीशन एंड इन्वर्जन वो हम उसके बारे में हम बात करेंगे फर्दर विज्योड में ठीक है तो होप आपको ये वीडियो समझ में आओ कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो और uh, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तब तक के लिए बने रहो मेरे चैनल से हैव ए नाइस डे टेक केयर बाय बाय